सागर जिले के राहतगढ़ थाना परिसर में आगामी त्योहार होली और रंग पंचमी को लेकर शांति कमेटी के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने संबोधित करते हुए कहा कि होली रंग पंचमी का त्योहार शांति सद्भावना के साथ मनाएं, ऐसा कोई कार्य ना करे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। SDOP रघु प्रसाद ने बताया कि होली दहन करने वालों को समझाइश दी गई है कि किसी नई जगह पर ना करें, किसी के घर के आसपास होली दहन ना करें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और किसी का नुकसान हो ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें, ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना करें जिससे नुकसान हो। जिसमें उपस्थित SDOP रघु प्रसाद, थाना प्रभारी आशीष सप्रे, SDM और सभी विभाग के अधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। आगामी होली रंग पंचमी के त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई थी। शांति समिति में सभी गणमान्य नागरिक, सभी विभागों के अधिकारी, मीडिया एवं मीडिया के सभी पधारे, जिसमें शांतिपूर्ण सौहार्द पूर्ण तरीके से होली एवं रंग पंचमी का त्यौहार मनाए जाने का एक समझाइश दी गई। और जो भी होली का दहन करने वाले लोग हैं उनको भी समझाइश दिया गया, कहीं भी किसी कार के पास, किसी के घर के पास या नई जगह के पास कोई नए तरीके से होली का दहन न करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और किसी का नुकसान हो। सर आज कुछ ऐसा मतलब कोई होली वाली जगह पे दिक्कत वाली बात आई कोई कि भाई कहाँ कोई कब्जा वगैरह? नहीं, अभी तक कोई होली वाली जगह की बात में कोई दिक्कत नहीं आई है। और सभी जहाँ जहाँ होली जलनी है अधिकतर पुराने स्थानों पर जलाई जा रही, नई स्थानों के ऊपर होली जलाने का भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और जो भी है बिजली विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा सभी स्थानों का भ्रमण किया जा रहा है। रंगों के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, रंगों के बारे में कहा गया कि कोई भी जो है ऐसे रंग का उपयोग न करें जिससे लोगों के उससे नुकसान पहुँचे। गुलाल अबीर लगाकर होली मनाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।